हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए ईजी, सरल और आसान बनाया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जिससे हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल आसान और इजी बनाते हैं, जो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होता है, तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन की लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। और यही बड़े से बड़े एग्जाम और एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सभी एग्जाम में सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन इसी से हो जाता है। तो इसको सीखिए और अपने मैथ को खतरनाक और आसान बनाइए, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आज की वीडियो में। टाइम नंबर सेकंड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि तीनों ने अलग अलग समय बताया है कि मैं 24 में, वह 20 में और 30 में कर सकते हैं, और यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। उस कार्य को का मतलब हो गया वह कार्य कितना है। तो कैसे पता लगेगा वह कार्य कितना है जिसको वे 20 दिन में, 24 दिन में और 30 दिन में कर लेते हैं। तो ऐसा पता लगाने के लिए जो इनके समय की जो संख्या है, दिनों की जो संख्या है, इन दिनों की संख्याओं का जो एलसीएम लिया जाएगा वही टोटल कार्य या टोटल यूनिट कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, 20, 24 और 30 का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 120 हो जाता है। तो यहाँ पर ए कहता है कि मैं कार्य को 20 दिन में करता हूँ, बी कहता है कि मैं उसी कार्य को 24 दिन में करता हूँ, सी कहता है कि मैं उसी कार्य को 30 दिन में कर लेता हूँ। तो अब बात आती है वह कार्य कितना है। तो दी गई संख्या होगा, जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें वह कार्य मालूम हो जाता है, वह कार्य है 24 × 5 = 120, 20 × 6 = 120, 30 × 4 = 120, वह कार्य है 120। आप इसको यूनिट भी कह सकते हैं, 120 यूनिट कार्य है ये। और इस कार्य को करने के लिए ए 20 दिन लगाता है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 20 × 6 = 20 से भाग करेंगे इसको, 20 × 6 = 120, 6 और 24 × 5 = 120 और 30 × 4 = 120। अब आप ये देखिए, जो ये यूनिट आई यहाँ पर, ये इनकी एक दिन की इफिशेंसी है, यानी काम करने की क्षमता कहलाती है, काम करने की ये जो है 6, 5, 4, ये इनकी इफिशेंसी कहलाती है, तीनों की, तीनों द्वारा किया गया कार्य कहलाता है ये, जो कि इनकी इफिशेंसी अक्षमता कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल। या आप यूँ कह सकते हैं, ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, बी 5 यूनिट और सी 4 यूनिट कार्य करता है ऐसा, और उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो, तीनों को कहा गया है कि तीनों यदि उस कार्य को मिलकर करेंगे, किस कार्य को, 120 यूनिट को, तो कितने समय में करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इक्वल टू इक्वल टोटल संख्या आ गई कार्य की, जो यूनिट है वो है 120, और इनकी जो एफिशिएंसी है, इनका टोटल योग हो गया 6, 4, 10, 5, 15। देखिए, इक्वल टू इक्वल से हम इसको सेट कर सकते हैं, इक्वल टू इक्वल, जैसे कि यहाँ पर ये आया है, ये संख्या हो गई और ये रेशो को रिप्रेजेंट करता है, रेशो को, तो एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो बन जाता है, तो वही चीज़ हो गई। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 15 × 8 = 120, तो वह तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, चेक कर लीजिए, बहुत सुंदर, आसान, सिंपल तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन आपके लिए टफ नहीं होगा, बिल्कुल इजी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21। देखो, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। देखिए, ए जो ए है ना, किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर, जिससे कि क्वेश्चन बिल्कुल हलवा और आसान लगने लगे। बी उसे 10 दिनों में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन, क्लियर। और सी उसे 20 दिन में कर सकता है, सी लिखेंगे यहाँ पर, 20 दिन में कर सकता है। ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो, तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में, वही बात आ गई तीनों वाली। तो यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों की संख्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा।
अब इन तीनों की संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? तीनों की संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, आप इसको 80 ले सकते हैं या 40 भी ले सकते हैं, 40 ले लीजिए इसको। हमने इसका एलसीएम लिया 40, तो 8 पंजे 40, 5 यूनिट करेगा एक दिन में, ये 10 चौक 40 4 यूनिट, और ये 20 चौक वो 20 दूनी 40 2 यूनिट। अब देखिए तीनों द्वारा टोटल अगर देखा जाए 5 4 9 2 11 11 यूनिट टोटल कार्य करेंगे ये, और ये तीनों एक दिन में करते हैं 5 4 9 2 11, तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे? जैसे कि मैंने बताया था इक्वल टू इक्वल हो गया, ये 11 यूनिट बराबर हो गया 40, तो हमने क्या किया 11 3 33 11 3 33, 7 बचेगा बटे भाजक संख्या यही आ जाएगी 11। लीजिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 3 से ही 7/11 दिनों में वह उस कार्य को कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करेंगे आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में, और सी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया समय, यानी तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो देखिए ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, और सी उसी काम को 9 दिनों में करता है। तो यहाँ पर इनके दिए गए समय की संख्या का एलसीएम ले लेंगे, 180 आता है, 12 15 9 का एलसीएम 180। अब देखिए इस काम को ये करता है, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 15 बार, 15 से इसे डिवाइड करेंगे 12 बार, और 9 से इसे डिवाइड करेंगे 20 बार, भाग हो जाता है। अब देखिए तीनों मिलकर उस काम को कर लेते हैं, तीनों मिलकर 180 को करेंगे, तीनों 2 5 7, 2 3 और 1 4, 47 यूनिट, तीनों की 47 यूनिट है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 3 बार मारनी चलेगी इसकी, 47 तीय हो जाएगा, 3 7 21, 2 3 4 12 2 14, 141 हो जाएगा, 47 तीय 141 बचेगा 39, और बटे में भाजक संख्या 47, ये आ गया। तो 3 से ही 39 बटे 47 है ये यहाँ पर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 से 39 बटे 47, सिंपल तरीके से और आसान लेवल में क्वेश्चन फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, ए अकेले एक काम को 66 दिनों में, बी अकेले 55 दिनों में, और सी ए बी सी मिलकर काम को 22 दिन में करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? सबसे पहले देखते हैं ए अकेले 66 दिनों में, बी अकेले 55 दिनों में, और तीनों मिलकर ए बी प्लस सी 22 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर इनकी दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, कितना बनता है? इनका एलसीएम आता है लगभग 330 आ जाएगा। अब देखिए इसको भाग करेंगे, 6 5 30, 5 बार कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 6 बार, और 22 से इसको काटेंगे 15 बार, क्लियर है? अब देखो तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो 15 यूनिट होगी। अब पूछा है सी अकेले उस कार्य को, देखो बी की 6 यूनिट है और ए की 5, 15 में से 11 घटाएंगे, 4 यूनिट रह गई सी की, सी की कितनी यूनिट रह गई? 4। अब इस 4 की मदद से यह कार्य करेगा कितने दिनों में? 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, 1 4 2 8, 4 5 20, ये रहा 82.5 दिनों में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिंपल तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24, यदि रामू रोहित और श्याम, देखिए लिखेंगे रामू रोहित और श्याम,
एक साथ किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं, तीनों एक साथ, तो तीनों एक साथ 8 दिनों में करते हैं। तो इनको थोड़ा नज़दीक लिख लीजिए ऐसे, रामू, रोहित और श्याम तीनों मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ये तीनों, रामू अकेला उस कार्य को 16 दिनों में, रामू अकेला उस कार्य को 16 दिनों में, और रोहित अकेला उस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? चलिए देख लीजिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 48, 8, 16, 24 का एलसीएम 48, 48 को बारी बारी भाग देंगे, 8 × 48 6 यूनिट करते हैं तीनों, ये 16 × 48 ये 3 यूनिट और 24 × 48 ये 2 यूनिट करता है। अब देखो रामू रोहित दोनों की मिलाकर 5 यूनिट है, तो यहाँ तीनों की मिलाकर 6 यूनिट है। इसका मतलब शामू एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो शामू 1 यूनिट काम करता है, तो एक से इसे भाग करेंगे 48 को, तो 48 दिन लगता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 48 दिन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 25। देखिए 25 भी करेंगे, ए और बी मिलकर एक कार्य को, देखो ए प्लस बी मिलकर 30 दिनों में कार्य करते हैं, लेकिन सी मिलकर, लेकिन सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को, ए बी सी दोनों सी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं, सी अकेला। अब देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब अकेला कहे तो ऊपर गुणा नीचे अंतर, ऐसे 24 × 30 अंतर हो गया 6, 6 × 30 और 24 × 120 ये आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 120। अब देखिए इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने लिया एलसीएम इनका 120 ले लिया मैंने एलसीएम, 30 × 24 × 120। अब देखिए सी अकेला कहा है, सी अकेला तीनों के यूनिट में से 5 में से ए बी का घटाएंगे 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1 यूनिट काम करता है एक दिन में सी, तो एक से इसे भाग करेंगे 120 को, 120 दिन आएंगे। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 120। ये हमारा दूसरा मेथड है, ये पहला है, और भी ज़बरदस्त तरीके हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बढ़ते रहे आगे, सीखते रहे, सब चीज़ें आ जाएगी आपके माइंड में, सेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, पी क्यू आर मिलकर एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर 4 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, पी क्यू उसी कार्य को क्रमशः 8 दिन और आर, पी 8 दिन क्यू 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए तीनों 4 दिन में, पी 8 में क्यू 12 में, तो आर अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा ये बताना। तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे, 4, 8, 12 का एलसीएम आएगा 24, 4 × 6 = 24, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24। देखिए पी और क्यू की कुल यूनिट होगी 5, तीनों की होगी 6, इसमें से 6 में से पी क्यू की 5 घटाएंगे, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो वो आर की यूनिट हो गई 1। अब आर पूछ रहा है कि मैं उसे अकेला कितने दिनों में करूंगा, तो एक से भाग कर देंगे इसको, आर अकेला आ जाएगा जब एक से भाग करेंगे टोटल कार्य को, 24 दिनों में करेगा, तो आर अकेला उस कार्य को 24 दिनों में करेगा, ऑप्शन डी इज राइट। सिंपल तरीका, आसान तरीका, और धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, उनको भी इससे भी ज़्यादा आसान बना दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ए बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 10 दिनों में कोई कार्य करते हैं, और ए अकेला 15 दिनों में, और सी अकेला
20 दिनों में कर सकता है, तो बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आ गया इनका 60, 10 छंग 60, 15 चौक 60, 20 तीये 60। देखो ए 4 यूनिट, तो यहाँ पर ए 4 है तो बी 2 यूनिट, क्योंकि दोनों की 6 हो गई यहाँ पर, और सी की 3 है, तो यहाँ पर बी की तो 2 यूनिट है, सी की 3 है, दोनों की 5 यूनिट हो गई। तो दोनों मिलकर बी प्लस सी उसे करेंगे, 5 से भाग करेंगे 12, 12 पंजे 60 होता है ना, तो 12 दिनों में करेंगे बी प्लस सी उस कार्य को मिलकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ए दिए गए दो रेलवे स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा देता है, ए 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा देता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को 4 दिनों में किया, सी की सहायता से मतलब तीनों ने 4 दिनों में किया, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे 48, 48 आता है, 16 तीय 48, 12 चौक 48 है, और 4 से इसको काटेंगे 12 बार, क्लियर। अब देखिए ए बी की टोटल 7 यूनिट है, 12 में से 7 घटाएंगे 5 यूनिट रह गई सी की, तो सी अकेले उसे करेगा किस काम को, 48 को कितने दिनों में, 5 से भाग देंगे, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये ना 48/5। बहुत ही सिंपल, आसान और इजी तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन करेंगे। ए काम को अकेले 32 दिनों में कर सकता है, ए 32 दिनों में, जबकि बी के साथ मिलकर वह 24 दिनों में कर सकता है, यानी कि ए प्लस बी उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, सी अकेले 64 दिनों में करते हैं कर सकता है, बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए यहाँ पर हम दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 32, 24 और 64 का एलसीएम आ जाएगा 192, 32 छिके 192 और 24 अट्ठे 192 और 64 तीये 192, क्लियर। अब देखेंगे ए की 6 यूनिट है, तो यहाँ पर ए की 6 है तो बी की 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की 8 यूनिट है, बी की 2 यूनिट, सी की 3 यूनिट, टोटल होगी 5 यूनिट बी और सी की। अब उसे दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे बी प्लस सी इस कार्य को, 192 यूनिट को 5 से भाग करेंगे, 5 तीये 15, 4 पाँच 40, 2 बचेगा बटे 5, देखिए ये येगा 5 तीये 15, 4 हो गए 42, 5 अठे 40, 2 बचा, सही, बिल्कुल सही, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, देखिए अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि अनमोल और गरिमा दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अनमोल और असीमा, जबकि अनमोल प्लस असीमा एक साथ काम करते हुए समान कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान से देखो, मैंने बताया है कि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और आसान हो जाता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। गरिमा और असीमा एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, गरिमा और असीमा मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बिल्कुल ईजी और आसान। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया दोनों का,
और इसका भी सभी संख्याओं का एलसीएम लिया यहाँ पर 300 आता है, एलसीएम इनका 300 हो गया। 25 से 300 को काटेंगे 12 बार, 15 से 300 को काटेंगे 20 बार और 20 से 300 को काटेंगे 15 बार। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अनमोल की काम करने की एफिशिएंसी है 12, अनमोल यहाँ पर भी है उसकी 12 तो यहाँ भी होगी। अब है दोनों की टोटल 20, तो अनमोल की 12 तो 8 रह गई असीमा की, ये गरिमा की, गरिमा की एफिशिएंसी 8 है, अनमोल की 12 है, पता लग लिया। अब यहाँ पर अनमोल की 12 है ये, तो असीमा की है 3, क्योंकि 15 करनी है दोनों की, दोनों की 15 एफिशिएंसी होनी चाहिए, तो 12 अनमोल की 3 असीमा की। क्लियर होगा? 12 3 15 खत्म। अब मुझे ये मालूम हो गया है कि गरिमा की जो एफिशिएंसी काम करने की एफिशिएंसी वो 8 है और असीमा की 3 है, इस गरिमा की 8 असीमा की 3, तो दोनों की मिलाकर 11 एफिशिएंसी होगी। अब उसने कहा ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगी, काम है हमारा 300 और दोनों मिलकर करेगी तो 11 से भाग करेंगे, तो गरिमा और असीमा उस काम को करेगी 300/11 दिनों में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 300/11। आसान सवाल, बिल्कुल ईजी, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे और आसान बनाएंगे। एक्स 1/4 काम को 10 दिनों में कर सकता है, एक्स 1/4 काम को 10 दिनों में, देखिए 1/4 काम 10 दिनों में करता है, तो पूरा काम अकेले एक्स कितने दिनों में करेगा, 4 × 40 ब्रज गुना करेंगे, 40 दिनों में कर सकता है अकेले पूरा काम एक्स। अब वाई 4 दिनों में 40% काम कर सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई 40% काम करता है 4 दिनों में, 40% को लिख देंगे 2/5 करता है 4 दिनों में, 2 × 4 और 5 × 10, तो वाई पूरा काम करेगा 10 दिनों में। क्लियर? अब आता है जेड, जेड 13 दिनों में 1/3 काम करता है, यानी कि 1/3 काम 13 दिनों में करता है, तो पूरा काम करेगा वह 13 × 39 दिनों में। अब हमें यहाँ से मालूम हो गया है कि सबसे पहले सर्वप्रथम काम को कौन समाप्त करता है, सबसे पहले काम को वही समाप्त करेगा जो सबसे कम समय लेगा, तो सबसे कम समय लिया है 10 दिन वाई ने, तो वाई सबसे कम समय लेता है, तो वाई कार्य को सबसे पहले समाप्त करेगा, तो हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी इज राइट, वाई। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। मधु और सानी, देखिए मधु प्लस सानी, मधु और सानी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करती है, सानी और रोजी एक साथ मिलकर, सानी और रोजी एक साथ मिलकर उसे 12 दिनों में करती है। क्लियर? रोजी और मधु दोनों मिलकर वही कार्य 15 दिनों में, रोजी और मधु मिलकर वही कार्य 15 दिनों में करती है, तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए कि यहाँ पर दो दो व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, दो बार मधु आएगी काम करने में, दो बार सानी और दो बार आएगी है रोजी, तो दो दो मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना आपको, यहाँ पर एलसीएम आएगा 300, 20 से 300 काटेंगे 15 बार और 12 से इसे काटेंगे ये आ जाएगा, ये 300 नहीं ये 60 आएगा यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम 60 आएगा, 12 × 24 6 × 12 = 60 कट तो जाएगा ये 60 भी, 300 भी कट जाएगा, लेकिन और अच्छा और सिंपल तरीका यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 20 × 60 = 12 × 5 = 60 15 × 4 = 60, 300 भी आता है बट वो बड़ा बैठ जाएगी संख्या,
यहाँ पर हम छोटी संख्या लेंगे, एलसीएम आ गया 20, 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60, तो 20 दिए 60 और 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, क्लियर है। अब देखेंगे 5 और 4 9 और 3 12, अब इसमें दो दो मिलकर काम कर रहे हैं, यह होगा मधु, शानी और रोजी, दो कॉमन आ जाता है हमारा यहाँ से, और इन तीनों की, इन सभी की दो दो जो मिलकर कार्य कर रहे हैं, इन सभी की एफिशिएंसी टोटल होगी 4 5 9 3 12। ध्यान से देखो, ये स्टैंडर्ड पॉइंट है। अब 12 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 6 12, तो एक्चुअल जेन्युइन तीनों की एफिशिएंसी बन जाएगी, मधु, सानी और रोजी की एफिशिएंसी 6 है, क्लियर। अब तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेगी, तो 6 से मैं इसको भाग करूँगा, तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे, तो 6 दाम 60, 10 दिनों में करेंगे। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 दिन, क्लियर। अब आप देखिए, सभी में इक्वल टू इक्वल लगता है। देखो, यहाँ टोटल दिनों की संख्या 60 और यहाँ इनकी एफिशिएंसी जो ये है, ये रेशो ही आता है एक तरीके से, तो इन तीनों का हो गया 6 एफिशिएंसी, हो गया ना इक्वल टू इक्वल। अब इसको 6 दाम 60, वही बताया है मैंने आपको कि आप ये ना समझे कि सर इसमें तो इक्वल टू इक्वल नहीं लगता, इक्वल टू इक्वल सब जगह लगता है, कोई भी सवाल नहीं बचता, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ही है जो सब जगह काम आएगा, सब जगह। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 33, इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए, कार्तिक और स्नेहा, कार्तिक और स्नेहा 25 दिनों में कार्य करते हैं और स्नेहा माधुरी उसी कार्य को 20 दिनों में, माधुरी और कार्तिक 15 दिनों में करते हैं। अब पूछा है तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे, चलिए देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इनका 300 आएगा एलसीएम, 25 से इसे काटेंगे 12 बार, 20 से इसे काटेंगे 15 बार और 15 से इसे काटेंगे 20 बार, क्लियर। अब वही तरीका, कार्तिक, स्नेहा और माधुरी दो दो मिलकर कार्य कर रहे हैं, इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई 20 30 40 47 आ गई। दो से बात करेंगे, ये 2 से बटे में आ जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे, ये तीनों की टोटल एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा है तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, इसे भाग कर देंगे इससे, 47 बटे में 2 ऊपर चल जाएगा बटे की संख्या, तो ये हो जाएगा 600 बटे में 47, 47 एकम 47 बचेंगे 13, हो गया 130, फिर 47 की मारनी चलाएंगे, 47 लगभग ये हो जाएगा, लगभग में पूर्ण अंकों में बताया है, दिनों की संख्या निकटतम पूर्णांक, वैसे तो 12 पॉइंट कुछ चलेगा बट ये लगभग पूर्णांक में, 47 3 4 12 7 21 लगभग 3 बार पूर्णांक में अगर लिखें तो 13 आएगा निकटतम पूर्णांक। जब हम 47 से भाग कर रहे होंगे तो लगभग निकटतम पूर्णांक हमारा 13 दिन आएंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन आसान बनाएंगे। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं, पी प्लस क्यू 20 दिनों में और क्यू प्लस आर मिलकर उसे 30 दिनों में करते हैं, पी प्लस आर 30 दिनों में, पी द्वारा उसी कार्य को अकेले और आर द्वारा उसी कार्य को अकेले करके उनके दिनों की संख्या का अनुपात बताना, पी और आर, कि पी और आर अकेले अकेले उस कार्य को जब करते हैं तो उनके दिनों की संख्याओं का अनुपात हमें बताना है पी और आर का। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर दो दो मिलकर कार्य कर रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर इनका 60,
बीस तीस साठ, तीन यूनिट करेंगे पी और क्यू, क्यू आर तीस इकत दूनी साठ, तीस दूनी साठ। अब इन्हें दो दो मिलकर कर रहे हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, दो दो मिलकर कर रहे हैं, कितनी इफिशेंसी, दो दो चार तीन सात, सात बटे दो करेंगे यहाँ पर, बटे में आ जाएगा ये ऐसा। अब देखो मुझे पी और आर की इफिशेंसी निकालनी है, पी और आर की इफिशेंसी तीनों में से अगर मुझे पी की निकालनी, क्यू आर की घटा दूंगा यहाँ पर, क्यू आर ये रहा क्यू आर, तो साढ़े तीन है ये, साढ़े तीन में से दो घटाऊंगा, आप इसको साढ़े तीन भी लिख सकते हैं ऐसे, साढ़े तीन में से दो घटाऊंगा डेढ़ होता है, डेढ़ का मतलब हो गया तीन बटे दो, क्लियर। यह साढ़े तीन ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है, साढ़े तीन ऐसे, ऐसे भी आप साढ़े तीन को लिख सकते हैं, साढ़े तीन में से दो घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा डेढ़, क्लियर। और डेढ़ को हम तीन बटे दो लिख सकते हैं, ये होगी इसकी इफिशेंसी। अब आर चाहिएगा हमें, आर निकालना है, पी और क्यू की इफिशेंसी घटाएंगे साढ़े तीन में से, पी और क्यू तीन है, साढ़े तीन में से तीन घटेंगे आधा हो गया, आधा एक बटे दो, ये इनकी इफिशेंसी है। अब ये पी अकेले इस कार्य को करेगा और क्यू अकेले सॉरी आर अकेले इस कार्य को करेगा, तो जितने दिन लगेंगे उनके दिनों की संख्याओं का अनुपात हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। 60 को इस एफिशिएंसी पी की एफिशिएंसी से भाग करेंगे, तीन बटे में दो ऊपर चल जाएगा रेशो, फिर इस 60 को, क्योंकि टोटल कार्य तो यही है ना, 60 को एक बटे दो ऊपर जाएगा भाग करेंगे। अब देखिए 60 गुणा दो से 60 गुणा दो कट गया, और ऐसे ब्रज गुणा करेंगे रेशो में, तो ये इधर आ जाएगा एक, और ये रेशो इधर चल जाएगा तीन, एक तीन के रेशो में, तो जो उनके दिनों की संख्या है वह एक तीन के अनुपात में है, ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, बिल्कुल ईजी सरल आसान तरीका आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन नंबर आता है 35। ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी 30 दिनों में करते हैं, क्लियर, और सी प्लस ए 24 दिनों में करते हैं, और तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे तीनों। देखिए एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर हमारा 120 आ जाएगा, 120 तो 40 तीन 120, तीन इफिशेंसी, 30 चौका 120, 24 पंजे 120। अब दो दो मिलकर कार्य कर रहे हैं ए बी प्लस सी, इनकी इफिशेंसी 5 आनू 3 12, और दो दो मिलकर कर रहे हैं, दो से भाग करेंगे, दो छिक 12, 6 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशेंसी आ गई 6, क्लियर। अब तीनों अलग अलग कार्य को करते हैं, अब देखिए तीनों की अलग अलग इफिशेंसी यही मालूम कर लेंगे। देखो तीनों में थे 6 में से बी सी की घटाएंगे 4, तो एक ही 2 आ गई, फिर बी की निकालनी ए सी की घटा देंगे, ए सी की है 5, 6 में से 5 घटा देंगे, बी की 1 आ गई, फिर तीनों में से 6 में से ए बी की घटाएंगे ये रही 3, 6 में से 3 घटाएंगे सी की 3 आ गई, क्लियर। अब तीनों अलग अलग उसे कितने दिनों में करेंगे, सबसे पहले बारी आई ए की, ए इस कार्य को करेगा 120 यूनिट कार्य को, दो की इफिशेंसी से करता है तो उसे 60 दिन लगते हैं, पहला आंसर आ चुका। अब बी करेगा उसे 120 यूनिट कार्य को, एक की इफिशेंसी से करेगा तो 120 दिन लगते हैं। अब सी देख लीजिए, सी टोटल 120 यूनिट कार्य को तीन इफिशेंसी से करेगा तो 40 दिन लगते हैं, तो 60 120 और 40, तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर 60 120 और 40।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन करेंगे। ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिनों में करता है, ए प्लस बी 24 दिनों में, बी प्लस सी उसे 12 दिनों में कर सकता है, और तीनों ए प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाता है इन सभी का 24, 24 एलसीएम आएगा, 24 एकम 24 और 12 दुनी 24, 6 चौक 24। क्लियर। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी ए बी सी की 4 है। अब इसमें ए बी की एफिशिएंसी 1 घटा दीजिए, 4 में से 1 घटाएंगे, सी की आ जाएगी 3। क्लियर। देखो 4 में से 1 घटा दीजिए ए बी की, 4 में से 1 घटाएंगे, 3 सी की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें पूछा है ए प्लस सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये सी की एफिशिएंसी तो आ गई हमारी, एक ही और निकालनी है, एक ही यहाँ से निकालेंगे हम, बी प्लस सी की निकाल लीजिए। देखो बी प्लस सी की कितनी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है जिसमें सी 3 है। बी प्लस सी का मान 3 भरेंगे बराबर 2, तो b बराबर माइनस 1 आ जाएगी इधर, ये तो b का मान माइनस 1 आ जाएगा। अब c की एक ही एक ही निकालनी है हमें, b का तो मालूम हो गया, a का निकालना, यहाँ पर निकाल लीजिए a की एफिशिएंसी, क्योंकि इसने कहा a प्लस बी बराबर 1 है, तो a बराबर 1 माइनस बी जाएगा इधर, ये a बराबर 1 माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 है बराबर 2 हो जाएगी, a की एफिशिएंसी माइनस माइनस प्लस 2, तो a की 2 और c की 3 ये होगी। अब टोटल कार्य है हमारा 24, 24 को दोनों मिलकर करेंगे 3 2 5 5 से भाग करेंगे, ये आ गया, तो a प्लस सी उसे करेंगे 24/5 दिनों में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 37, एक्स प्लस वाई 16 दिनों में, वाई प्लस जेड 24 दिनों में, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 दिनों में, तो एक्स जमा जेड उसे कितने दिनों में। सेम टाइप सवाल है, देखिए एलसीएम आता है इनका 48, 16 3 48 हो जाएगा, और 24 2 48 12 4 48। क्लियर। अब तीनों की एफिशिएंसी इनकी 4 है, अगर हम 4 में से 2 घटाए एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी, 4 में से 2 घटाएंगे तो, क्लियर, और यहाँ पर वाई की आ जाएगी, दोनों की होगी 3, एक्स की 2 वाई की 1। चलिए अब जेड की भी 1 रहेगी, क्योंकि तीनों की 4 है ना, तो 4 हो गई तीनों की, जब एक्स वाई की 3 है तो जेड की 1, तभी तो 4 हो गई। चलिए अब हम काम करेंगे, देखिए एक्स एक्स और जेड उसे करते हैं उस काम को जो 48 एफिशिएंसी या 48 यूनिट कार्य है, तो एक्स की एफिशिएंसी 2 जेड की 1 3 हो गई, 3 से भाग देंगे तो x और z उसे दोनों मिलकर करेंगे 16 दिनों में, क्योंकि 16 3 48 होता है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 16 दिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो x प्लस z उस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल आसान तरीका, बस माइंड का खेल है मैथ के अंदर और कुछ नहीं है। अगर लैंग्वेज और माइंड को यूज कर लीजिए आप, तो मैथ बिल्कुल आसान ईजी हो जाता है।